अमेरिका ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिस एक्शन के बाद चाइना के अंदर हलचल मच गई है और चाइना की जो फैंटेसी थी कि वो यूनाइजेशन कर लेगा पूरी दुनिया में, खत्म हो गई। इनका ड्रीम टूट कर हाथ में आ गया है और ड्रीम टूटने का तो हालत ये है कि रात को आजकल इनको नींद भी आने रही। और बहुत बड़ा न्यूज आया है जहां पे अमेरिका ने एक हिस्टोरिक पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट लाया है चाइना के इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो चाइना के लिए काफी गंभीर समस्या बन सकती है, बिकॉज चाइना अभी ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए फायदा ही फायदा हो गया। हाँ, भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में करीबन 12.5 अरब डॉलर बढ़कर 700 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। निकी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम शुरू हो जाएगा और मैं अपने अलाइज को कन्विंस करूंगा कि आप चाइनीज करेंसी में काम कीजिए। सिनिस्टर स्ट्रेटजी थी चाइना की, लेकिन आपने देखा कि अमेरिका वो हमेशा ही अपने पावर को यूज़ करता है अपने एनिमीज को सीधा करने के लिए। चाइना को मालूम है कि जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस किए गए यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करते हुए, चाइना को मालूम है कि अगला टारगेट चाइना है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही है, 6 महीने का वक्त है, अगर चाहो तो चाइना से पैसे निकाल लो, उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन 6 महीने के बाद टैक्स ही टैक्स लगेगा। मैसेज पास करने के लिए, एक संदेश देने के लिए अमेरिकन फोर्सेस इंडियन आर्मी के साथ एक्सरसाइज कर रही हैं। उदाहरण दे रहा हूं अभी, खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई अमेरिका से। चाइना बेचारा अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय लगा रहा है। ऊपर से अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया दोस्तों, वो चाइना की वाट लगाने वाला है। यानी कि जो चाइना का ड्रीम था दुनिया के अंदर अपना एक दबदबा बनाने का, वो टूट गया है। 3 दशक पहले ही आप चले जाइए, भारत पैसे पैसे को मोहताज था। हम सोना गिरवी रखकर दूसरे देशों से पैसा ले रहे थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चीन की मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। चीन की इकोनॉमी को बचाने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था, जिसे चीन की इकोनॉमी थोड़ी बहुत संभल जाए। लगभग 7 ट्रिलियन युआन का रिलीफ पैकेज चीनी सरकार ने दिया था अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए, और ऐसा दिख भी रहा था। चीन का मार्केट अचानक से उठ गया और यहाँ तक कि भारत के मार्केट से पैसा निकाल के लोग चीन के मार्केट में डालने लगे। लेकिन चीन के इस प्लान को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया और यूएस कांग्रेस ने चीन को बर्बाद करने के लिए एक एक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, जिसका नाम यूएसए पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट है, जिससे अमेरिका अपनी जनता को चीन में इन्वेस्टमेंट करने से रोकेगा। दरअसल अमेरिकन चीन के मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे चीन को बहुत बड़ा फायदा होता है। अब इस एक्ट द्वारा जो अमेरिकन चीन में इन्वेस्टमेंट के बाद टैक्स 20% देते थे, अब उसको बढ़ाकर 37% कर दिया गया है और बोला है कि इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका ने अपने जनता को 6 महीने की डेडलाइन दी है कि चीन से पैसा निकाल दो, वरना टैक्स 37% देना पड़ेगा। अमेरिका के एक एक्शन से चीन में हलचल मचा दी है, वही भारत को इससे फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट जो चीन में जाने वाला था, अब वो सीधा भारत में आएगा। चाइना ने एक सपना देखा था कि भाई वो डॉलर को खत्म कर देंगे और पूरे दुनिया के अंदर एक दबदबा होगा युआन का, यानी कि चाइना का। अब आहिस्ता आहिस्ता चाइना को समझ आ गया कि डॉलर किंग है और उसे गिराना मुश्किल है। ऊपर से अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया दोस्तों, वो चाइना की वाट लगाने वाला है। यानी कि जो चाइना का ड्रीम था दुनिया के अंदर अपना एक दबदबा बनाने का, वो टूट गया है। बैटलफील्ड बिल्कुल तैयार है और जो बिगेस्ट फाइनेंशियल एम्पायर है दुनिया का, वो लाइंड अप है एक दूसरे के सामने एक दूसरे का गला काटने के लिए। इमेजिन कीजिए, 2 फौजें खड़ी हैं आपस में आमने सामने और दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि राजे की कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा, और ये राजे की कुर्सी है ग्लोबल फाइनेंस की और उसका अल्टीमेट क्राउन है पावर। चैलेंजर यानी कि चाइना जो है वो अब तलवार की तरह युआन को यूज़ कर रहा है। उसने अपनी स्ट्रेटजीज को बाहर निकाल दिया। बेशक वो अभी फ्लॉड है, बट कभी ना कभी तो ठीक होगी। आंसर सिंपल है कि आज की डेट में फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो किंग है वो अमेरिका है, अनचैलेंज्ड है। लेकिन जो ग्रेट, ये जो चाइना है अपने आप को ग्रेट बोलता है, वो बोलते हैं कि अब हम ग्रेट चाइना विल ब्रिंग ग्रेट कोलैप्स, जैसे 1970s में किया गया था। आपको याद होगा कि 1970 के अंदर भी जो माइटी यूएस डॉलर था, उसने ऐसा लग रहा था कि आखिरी ब्रेथ पे है, आईसीयू पे आ गया था। जो इनका ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो 1973 में वो कोलैप्स हो चुका था।
अमेरिकन करेंसी ब्लीड कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो डॉलर है उसकी डिवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि दुगना प्राइस पर नीचे गिर गया था। सारी दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया कि डॉलर तो गया, लेकिन जैसे एक हीरो होता है फाइनल मोमेंट्स में, जैसे मूवी के अंदर मरते मरते भी वो आखिरी गोली चला ही देता है और बाद में बच भी जाता है, कि कैसे चाइना मुंह के ऊपर गिरा है। दुनिया ने डॉलर को अबैंडन करने की बड़ी बार कोशिश करी। डी डॉलराइजेशन की बात ये आज से नहीं है, सन 2000 से चल रही है। लेकिन कंट्रीज ने क्या किया, कंट्रीज ने जितना कोशिश किया कि डी डॉलराइजेशन की जाए उतना ही ज़्यादा कंट्रीज ने अपनी वेल्थ को डॉलर के अंदर पाइल अप कर दिया। वो सभी चाहते थे कि यार ये जो करेंसी है ये सेफ है, सिक्योर है, इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जाए। सारी दुनिया ने वॉइस करी कि भैया अमेरिका ख़त्म होने वाला है, लेकिन अमेरिका की जो ग्रीन कलर के जो करेंसी है उसकी पावर को सामने सारी दुनिया झुकती है और वो डीथ्रोन करना चाहता है डॉलर को। और उसने सारी दुनिया की मीडिया को पैसे दिए हैं कि आप डी डॉलराइजेशन के ऊपर आप मुहिम चलाइए, अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में आपको डी डॉलराइजेशन के ऊपर लोग बोलते हुए दिखाई देते हैं। सिनिस्टर स्ट्रेटजी थी चाइना की, लेकिन आपने देखा कि अमेरिका वो हमेशा ही अपने पावर को यूज़ करता है अपने एनिमीज को सीधा करने के लिए। चाइना को मालूम है कि जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस किए गए यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करते हुए, चाइना को मालूम है कि अगला टारगेट चाइना है। यानी कि चाइना इसलिए चाहता है कि युआन को रिप्लेस किया जाए डॉलर से, ताकि बीजिंग अपनी मर्जी करे ताइवान के साथ, जापान के साथ, इंडिया के साथ और पूरे दुनिया के अंदर भी। और यहीं पर है यहाँ पर चाइना का ग्रैंड प्लान फेल हो गया। मुँह के ऊपर गिरे हैं ये, वो कैसे, इतनी नॉइस करी कि भाई युआन के ऊपर ट्रेड होगा, डॉलर से लोग दुनिया वापस जा रही है, बाहर निकल रही है। लेकिन क्या चाइना ने वर्ल्ड का जो ट्रस्ट है उसे जीता? आप देखिए पूरे दुनिया ने अभी भी डॉलर को छोड़ा नहीं है। ये पूरा चार्ट है कि भाई युआन ने 20% डेंट मारा है पूरे दुनिया में, यानी कि चाइना जो ट्रेड करता है पूरे दुनिया के साथ उसमें 25% वो युआन में करता है, बाकी 75% उसे डॉलर में ही करना पड़ता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी अलाइज के साथ काम कर उन्हें डॉलर में ही मजबूर किया हुआ है कि आप काम कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए। वो थोड़ा बहुत तो उन्होंने शिफ्ट किया डॉलर से, लेकिन 90-95% काम अभी भी वो अमेरिकन डॉलर में ही करते हैं, यानी कि लॉयल्टी पूरी दिखाई है। बिकॉज उन्हें पता है अमेरिका फॉल्ट लाइंस हो सकती हैं, लेकिन वो फेयर प्ले करेगा व्हेन इट कम्स टू मनी। लेकिन चाइना वो कोई भी डर्टी गेम खेल सकता है और दुनिया बार बार देखती है इनके नंबर्स भी गलत हैं, बैंकिंग सिस्टम गलत है, कुछ भी ठीक नहीं है। चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना खुद, अपने लिए ही दुश्मन बन चुका है। 1991 में, यानी आप समझ लें 90s के डेकेड में, इंडिया की वो हालत थी कि खाने को रोटी नहीं थी और पहनने को कपड़ा नहीं था और बेतहाशा गुर्बत थी, बहुत ज़्यादा पावर्टी थी। वो अभी तक लोग जो है ना, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग और ये समझते हैं कि वो वहीं पर हैं, उसी 90s में रह गए, कहते हैं बड़ी पावर्टी है, बड़ी गुर्बत है। पाइन जाके तो देखें आप ज़रा उधर के फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के हो गए हैं, क्रॉस कर गए हैं $700 बिलियन। दिस इज बिग अचीवमेंट एंड दिस इज बिग जंप जो इंडिया ने लगाई है। $700 बिलियन यानी $705 बिलियन के करीब हैं, और इसके अंदर $12 बिलियन कुछ वीक्स के अंदर ज़्यादा हुए हैं। और इंडिया ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद अब दुनिया का फोर्थ कंट्री बन गया है कि जिसके इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हो चुके हैं।